बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरेस्टेड पार्टनर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदी कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है कारवान बुक का, स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड का, उसी सिलसिले में पार्ट 15 अपलोड कर लेते हैं। 14 पार्ट साल लड़ी हो चुके हैं, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। और हमने सिलसिला शुरू किया था ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का। ईएमसीक्यू, सीएसएस, सीसीई, पीएमएस और जितने भी कमीशंस हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए यह एग्जाम मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखे। द बॉय हैड अ हियर ब्रीथ, ये स्पेलिंग थोड़े से गलत लिखे गए हैं, ये बी आर ई ए डी टी एच, ब्रीथ, बी आर ई ए डी टी एच, एस्केप फ्रॉम अ स्ट्रीट एक्सीडेंट। हियर ब्रीथ एस्केप के माने नैरो एस्केप, बाल बाल बचना जिसको कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, नैरो एस्केप। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर को। डिस्पाइट बीइंग अंडर डिप्ट, बावजूद कर्जदार होने के, बहुत ज्यादा मकरूज हैं, ही स्टिल कीप्स अ गुड टेबल। कीप्स अ गुड टेबल का मतलब है मेहमानों को अब भी अच्छी तरह खाना खिलाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से करते हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा मकरूज है। ऑप्शन बी देखे, इंटरटेन हिज गेस्ट सम्पच्युअसली। सम्पच्युअसली के लिए उस पर महंगे खाने खाते हैं। क्वेश्चन नंबर ईडीएम नंबर 28 देखे, 28 नंबर। व्हेन ही टेल्स स्टोरीज अबाउट हिमसेल्फ, जब वो अपने आप के बारे में बताता है, ही इज इंक्लाइन टू ड्रॉ द लॉन्ग बोन। ड्रा द लॉन्ग बोन का मतलब है एग्जॉजरेशन, लंबी चौड़ी चौड़ी अपने बारे में बोलते हैं, बहुत ज्यादा हकाइक से बढ़कर बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन एग्जॉजरेट, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 29 देखे, 29 नंबर। आई एम अफ्रेड ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, मोमबत्ती को दोनों तरफ सिरों से उसको जलाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, अपने एनर्जी को, यानी इसका मतलब ये भी है कि एक वक्त में बहुत ज्यादा कामों में हाथ डालना, तो इससे उसकी एनर्जी जाया होगी और ला हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जीज, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जी, ये भी ईडीएम है, इसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 30 को देखे, 30 नंबर। ही ऑलवेज लीड्स अदर्स अप द गार्डन पाथ, लीड्स अदर अप द गार्डन पाथ, इसका मतलब है दूसरों को धोखा देना, डिसीव्स अदर्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 नंबर। द ग्रेट वॉरियर हेल्ड द एनिमी एट बे, एट बे को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कीप अवे, अपने आप से दूर रखना, फ्रॉम कमिंग, बट वॉज किल्ड इन द एंड, आखिर में कत्ल हुए। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, प्रिवेंटेड द एनिमी फ्रॉम कमिंग टू नियर, एट बे की मानी यही है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, 32 नंबर। द रिसेंट फिल्म खामोश रहो हैज ट्रोड टू कीप द पार्ट ऑफ गोर्स सिनेमा, इसका मतलब सिंपली इसको देखे ऑप्शन सी को, कीप द कंट्रोवर्सरी अलायो, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखे, 33 नंबर को। 33 में कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल पीस लविंग पीपल, अमन पसंद लोगों की कोशिश के बावजूद,
वर्ल्ड पीस इज स्टिल अफार क्राई, अफार क्राई नामुमकिन बात, अफार क्राई यानी अभी भी बहुत मुश्किल है, अ लॉन्ग वे ऑफ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, वन शुड बी प्रिपेयर टू गेट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू लाइफ, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की मानी है दोस्तों सडन शॉक, यानी जिंदगी में अचानक कोई शॉक परेशानी पेश आ सकती है, तो इसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो वन शुड बी प्रिपेयर टू गेट अ बॉल फ्रॉम द ब्लू लाइन, बट शुड नॉट गेट अनर, लेकिन नर्वस नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, ही हैज रीच प्रेजेंट पोजिशन इन हिज जॉब थ्रो एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस हिज हार्ड वर्क, बहुत मेहनत से वो इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 देखे, ही विल विन दिस सिलेक्शन हैंड्स डाउन, हैंड डाउन आप यानी हाथ भी नहीं उठाए, बहुत इजीली, बहुत आसानी से, विन इजीली, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 37 नंबर देखे, 37 नंबर, He has been working on and off, on and off, वक्पा से, for serving years on this research project at interval, option A correct है। And question number 38 देखे, He was a king who ruled his subject with a high hand, a high hand क्या मानी है जुल्म से, वो बादशाह ऐसा बादशाह था कि अपने रियाया को जुलम से हुकूमत करता था, उसके ट्रीट करते थे अप्रेसिवली, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 39 नंबर देखे, 39 नंबर, दोज हु मेक नो बोन्स, मेक नो बोन्स अबाउट सच एक्शन फेस अ टफ अपोजिशन, तो इसके मानी है दोस्तों नो डू विदाउट हेसिटेशन, दोज हु मेक नो बोन्स यानी जो काम ऐसे बगैर किसी हिचकिचाहट के करते हैं, तो उसको क्या होता है, इसका मतलब है डू विदाउट हेसिटेशन सच एक्शन फेस टफ अपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन को, ही गॉट होल्ड ऑफ द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, स्टिक का गलत सिरा पकड़ना, तो इसका मतलब कि मिस जज अ सिचुएशन, हालात का सही तरह जायजा न लेना, गलत पहम होना, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 41 नंबर देखे, डिसिप्लिन इज ऑन द वेन, वेन के माने बस खत्म होने वाले हैं इन स्कूल एंड कॉलेजेस दीज डेज, डिसिप्लिन तो इसका मतलब है कि डिक्लाइनिंग, जवाल पजीर है, बस खत्म होने हैं, डिक्लाइनिंग मीन जवाल पजीर, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 देखे, ही वॉज कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह कूल, ऑप्शन डी देखे, काम एंड कंपोस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 43 देखे, 43 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, सम ऑफ अस आर रियली इन अ कैच 22 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन ऐसी हालत जो मज़ाक़ खेज हो यानी जो श्योर ना हो, हालात ऐसा मसलन हम बयान कर सकते हैं कि फर्ज करें मैं कहूं कि जब तक मेरे पास रकम नहीं आएगी तो मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, और जब तक मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो उस वक्त तक रकम नहीं आएगी, तो ये एक मजाकिया सिचुएशन है, तो आई एम श्योर, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 नंबर, इलोक्वेंट लेमिनेशन रिगार्डिंग द फेट ऑफ द फ्लोरा एंड पाना, फ्लोरा एंड पाना जानवर और पौधे, आर सर्टन टू बी रेंडर क्राई, रेंडर अ क्राई इन वाइडनेस, ये इक्वली इडियम है, ठीक है,
यह इसके मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, मेहनत करना, मातम करना, रिगार्डिंग द फेट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। तो रेंडर अ क्राई इन द वाइल्ड, अ क्राई इन वेन, फजूल चीखना, फजूल मातम करना, यानी आपके मातम में आपकी आह बकार जो है ना वो किसी काम की नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन को, ही टुक टू हाल्ट द डेथ, टुक टू हाल्ट द डेथ ऑफ हिज वाइफ एज ही वॉज वेरी मच अटैक टू हर। तो इसके मतलब टुक टू हाल्ट, उससे बहुत ज्यादा मुतासर होना, वॉज डीपली अफेक्टेड बाय। और क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 नंबर, एज आवर आर्मी अटैक द एनिमी रिट्रीटेड पिल मिल, रिट्रीटेड पीछे हटना, पिल मिल बगैर यानी लोन मिल के बहुत जल्दी जल्दी, तो इन अ डिसऑर्डरली मैनर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 नंबर, इन द ऑर्गेनाइज सोसाइटी ऑफ टूडे नो इंडिविजुअल और नेशन कैन फ्लो अ लोनली फरी, कैन फ्लो अ लोनली फरी का मतलब अकेले वो नहीं रिमेन, इसका मतलब है डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं रह सकते। नो इंडिविजुअल और नेशन कैन फ्लो अ लोनली फरी, डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी अकेले वो जिंदा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। 48 नंबर, ही इज अ ग्रेट हैंड, अ ग्रेट हैंड के माने वेरी एक्सपर्ट, वेरी एक्सपर्ट एट ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग, एट ऑप्शन बी के देखे, एक्सपर्ट एट, इसमें एक्सपर्ट है। और 49 नंबर क्वेश्चन को देखे, लेट अस एडमिट दैट वी कुड नॉट हीप कूल्स ऑफ फायर ऑन, हीप कूल्स ऑन फायर ऑन, तो इसका मतलब है पुट हिम टू शेम, ऑप्शन सी है। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, मरियम वॉज काक श्योर, काक श्योर के माने हैं 100% श्योर, वेरी कॉन्फिडेंट, परफेक्टली कॉन्फिडेंट डेट शी वॉज एबल टू डू द जॉब एज डिजायर्ड, ऑप्शन डी, परफेक्टली कॉन्फिडेंट। तो इसके साथ आज की वीडियो खत्म हो गई, नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।